प्रशासनिक अलर्ट के बावजूद किया गया गणेश प्रतिमा विसर्जन। जनपद फिरोजाबाद में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही कोरोना काल के चलते पुलिस प्रशासन भी मुख्य रूप से सक्रिय भूमिका में रहा, जिसके कारण प्रतिवर्ष की भांति इस बार लोगों को गणेश प्रतिमा का विसर्जन यमुना नदी में नहीं करने दिया गया और श्रद्धालुओं को गणेश प्रतिमा का विसर्जन यमुना नदी के पहले पने वाले तालाबों में करना पड़ा। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन कोरोना काल के चलते सक्रिय नजर आ रहा था, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं में ये बात की नाराजगी है कि उन्हें उनकी मनचाही जगह यमुना नदी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं करने दिया गया। देखिए वृषभान नागर की खास रिपोर्ट। वृषभान नागर, आप सभी का स्वागत करता हूँ साक्षी न्यूज पर। आज जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होना है, तो इसको लेकर प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है। लेकिन यहाँ पे हम सोपी साहब पे आए हुए हैं, तो देखिए कुछ लोग मतलब प्रशासन के अलर्ट के बावजूद गणेश जी के विसर्जन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजत कुशवाहा। कहाँ से आए आप? शनवार गेट से आए हुए हैं, ओम नगर। किस तरह का आज? पहले जितनी सुविधा थी उतनी अब के नहीं है, लेकिन प्रशासन का अलर्ट किस तरह के से आज? उसके लिए बहुत बहुत बुरा है इस बार। कहाँ कहाँ आपको पुलिस का पहरा मिला? आपको अभी चनवा वहाँ पे फुल पार किया था, रेलवे लाइन निकली हुई है वहाँ पे फुल पार किया था, वहाँ पे भी पुलिस थी। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बुरा मतलब महसूस हो रहा है। वैसे भी क्या था, चनवार वैसे चनवा जाते थे हम गणेश जी विसर्जन करने के लिए, इस बार नहीं गए क्योंकि यहाँ पे ही पुलिस ने रोक दिया। किस तरह का उत्साह है आज गणेश जी की मूर्ति विसर्जन को लेकर? अगर गणेश जी विसर्जन नहीं करने आते तो वो अच्छा रहता, घर पे ही एक गड्ढा खोद लेते, उसमें गणेश जी को विसर्जन करते, वो अच्छा रहता हमारे लिए। हाँ गणेश जी, आपने कहाँ पे विसर्जन किया? ये एक छोटा सा गड्ढा है, ये देख लो आप, उसमें गड्ढे को मतलब विसर्जन किया गणेश जी को। इससे आप खुश हैं कि नहीं? खुश नहीं है हम, अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है। पिछली बार कहाँ आपने विसर्जन किया? अब पिछली बार हमने गणेश जी को वहाँ पे चनवार पे विसर्जन किया था, चनवार पे पहले गड्ढा किया रखा था, वहाँ पे विसर्जन किया था। पिछली बार भी आपने गड्ढे में विसर्जन किया? गड्ढे में विसर्जन नहीं, हम पिछली बार भी गणेश जी को गड्ढे में विसर्जन किया था। तो आप खुश नहीं है? नहीं। काफ़ी लोगों का यही कहना है कि प्रशासन का अलर्ट इतना ज़्यादा है कि उनको खुशी नहीं हो रही है, उनको मन चाही जगह पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन नहीं करने दिया जा रहा है। जमुना जी में मूर्ति का विसर्जन नहीं करने दिया जा रहा है। लोग रास्ते में ही रुककर तालाबों में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। गड्ढों में खाली भी गड्ढा। मैं वृषभान नागर, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद।